हेलो एवरीवन, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है कैग। डाटा से पूछ सकता है कैग, ठीक है। इसको सब लोग किस नाम से याद रखते हैं, कैग के नाम से इसको याद रखा जाता है। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, ये इससे संबंधित सवाल होंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा बेस बनाइए। देखो क्या होगा, भारत का नियंत्रक, नियंत्रक कौन होते हैं, जिनके हाथ में क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। लेखा, लेखा मतलब किससे होता है, लेखा मतलब होता है हमारे जो पैसों का रिकॉर्ड होता है ना, जो पैसों की चीजों का रिकॉर्ड होता है ना, उसको लेखा बोला जाता है हिंदी में। क्या बोला जाता है, लेखा। तो क्या होगा, जिनके पास रिकॉर्ड किसका, पैसे का, जो पैसों के रिकॉर्ड को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्या कहलाएंगे, वह कहलाएगा, कैग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कैग कहलाएगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यह पूरी चर्चा आप समझ चुके हैं। तो पहली लाइन से अपन ने क्या समझा, अपन ने समझा कंट्रोल करेगा किस पे, पैसे पे। पैसा कहीं पे होगा, खर्च पे या प्राप्त पे। पैसा या तो आप प्राप्त करोगे या आप किसी चीज पे खर्च करोगे। पैसा या तो आप लेते हो या किसी चीज, जैसे अपन दुकानदार पे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, पैसा देते हैं उसको, क्या करते हैं, खर्च करते हैं। किसी से अपन कुछ लेते हैं पैसा तो अपन क्या करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। तो पैसा दो तरीके से प्राप्त होगा, तो खर्च से और प्राप्त से, ठीक है। आइए यहीं से चर्चा को चालू करेंगे। तो समझ में आ चुका है आज अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो खर्च और प्राप्त का क्या रखेगा, कंट्रोल रखेगा, उसको क्या बोला जाता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आइए यहीं से चर्चा को चालू करेंगे, ठीक है। आप इससे मतलब समझ चुके हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है कैग। क्या बोला जाता है, कैग बोला जाता है। आइए भारत के संविधान के कौन से भाग में, भारत के संविधान के भाग पांच में, भारत के संविधान के भाग पांच में किसका वर्णन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात किसका वर्णन है, कैग का वर्णन किया गया है। आइए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर आता है 148 से लेकर 151 तक, 148 से लेकर 151 तक में किसका वर्णन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है भारत के महालेखा और नियंत्रक परिषद का संविधान के कौन से भाग से संबंध है, तो अपन याद रखेंगे कौन सा, संविधान का भाग पांच, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद है 148 से 151 तक। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं, पदावधि मतलब जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। पहली बात तो आप यहाँ से सुनिए, यह कैसा है, एक बार सवाल पूछा गया था यह कैसा निकाय है, तो लिखिए निकाय, निकाय कैसा है, निकाय है एकल सदस्यीय निकाय है। डैट इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, एकल सदस्यीय निकाय है, एकल सदस्यीय निकाय है। और देखो पदावधि क्या होती है, पदावधि होती है मतलब जिनका टाइम पीरियड या तो 6 वर्ष होगा या एज कितनी होगी, 65 वर्ष की उम्र होगी। या देखो जैसे मैंने भारत के महालेखा नियंत्रक पद पे क्या करा, ज्वाइन करा, तो मेरा पदावधि कितनी होगी, आज जब मैंने जब से ज्वाइन करा है आज से लेकर 6 वर्ष बाद तक, लेकिन इन 6 वर्ष के अंतराल में अगर मेरी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो मेरे को रिजाइन करना पड़ेगा, मेरे को रिजाइन करना पड़ेगा। तो दो कंडीशन है, या तो 6 वर्ष पूरे आप कंप्लीट कर लो या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। और इस बात में एक और बात है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अगर एक बार कोई व्यक्ति बन जाता है तो वह भारत सरकार के कोई भी दूसरे पद पे अधीन नहीं हो सकता है इसके बनने के बाद। आइए अब बात करते हैं इसका कार्य, कार्य होता है सार्वजनिक धन का संरक्षण, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। आपको इस लाइन का याद रखना है, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अर्थात, अर्थात इसका मतलब क्या है, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए, अर्थात प्राप्त किए गए अर्थात लिए गया पैसा किससे, जैसे राज्य सरकार को कौन फंड देता है, भारत सरकार, भारत सरकार भी पैसा लेता है काम कराने के लिए, तो राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा लिए गए पैसे अर्थात प्राप्त किए गए पैसे और खर्च किए गए पैसों का एक एक पैसे का जो हिसाब रखता है, एक एक पैसे का जो हिसाब रखता है वह कौन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका कार्य याद रखिए, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, अर्थात धन का जो भी खर्च हो रहा है या प्राप्त हो रहा है उस धन पे निगाह रखने का इसके पास अधिकार होता है। यह सवाल कर सकता है कि भारत सरकार से कि आप ये पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं, आप किस काम में ले रहे हैं, राज्य सरकार से भी सवाल जवाब कर सकता है। तो नियंत्रक किसके पास हो गया, हमारे भारत के, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
आइए इस पॉइंट को अपन अभी बाद में छोड़ते हैं, भारत के वर्तमान कैग का नाम आपको बताएंगे। लेकिन अब आइए देखो सवाल पूछता है, यह है हमें कौन सा आर्टिकल बताता है कि भारत का एक महालेखा और नियंत्रक परीक्षक होता है। तो लिखिए आर्टिकल नंबर 148, कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर 148 हमें बताता है भारत का एक महालेखा और नियंत्रक परीक्षक होगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 149, आर्टिकल नंबर 149 क्या कहता है, देखो आर्टिकल नंबर 149 कहता है राज्यों के खर्च पर नियंत्रण, राज्यों के खर्च पर नियंत्रण, राज्यों के खर्च पर नियंत्रण कौन रखेगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 149। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा हो जाता है, 148। डायरेक्ट आपसे पूछता है, बहुत सारी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे ऐसे बोला जाता है कि हमें जो पढ़ते हैं वह तो आता ही नहीं है। यह उन्हीं टॉपिकों में से एक है जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं खर्च पर नियंत्रण अर्थात कैग का राज्यों पे नियंत्रण, कैग का राज्यों पे नियंत्रण। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 150, आर्टिकल नंबर 150 क्या बोलते हैं, इधर लिखते हैं आर्टिकल नंबर 150, आर्टिकल नंबर 150 का पॉइंट लिखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार के सरकारों के लेखाओं पर, लेखाओं का मतलब समझ गए, कैग का प्रभाव, क्या बताते हैं, लेखा मतलब रिकॉर्ड, पैसे का रिकॉर्ड जिसपे होता है उसको क्या बोलते हैं, लेखा बोला जाता है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं पर कैग का प्रभाव, यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, 150। तो देखो कैग का काम क्या हो गया, कैग का काम हो गया जितना भी खर्च हो रहा है देश में कोई भी चीज पे, कोई भी संसाधन पे, या जितना ज्यादा धन प्राप्त किया जा रहा है उस पर नियंत्रण रखना। ठीक है, अब देखो यह नियंत्रण रख के क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है सारे धन का खर्च और भारत सरकार का राज्य सरकार का, यह बनाता है एक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किसको पेश करता है, सारी रिपोर्ट बना के भारत सरकार द्वारा किए गए खर्च, राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च को बना के रिपोर्ट किसको पेश करता है, राष्ट्रपति जी को पेश करता है। किसको पेश करता है, राष्ट्रपति जी को पेश करता है। राष्ट्रपति जी जो इसके द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है उसको दोनों सदनों के पटल पे पेश करते हैं, दोनों सदनों के पटल पे पेश करते हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है कैग के द्वारा उसको दोनों संसद के दोनों सदनों पे पेश कर दिया जाता है। यही कौन सा आर्टिकल है, यही आर्टिकल है 151, आर्टिकल नंबर कौन सा है 151। राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट कौन पेश करता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कैग द्वारा रिपोर्ट किसको पेश किसको दी जाती है, भारत के राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी द्वारा रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है। यही हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 151। तो आर्टिकल नंबर देखो अपन ने कहां से पढ़ा, अपन पढ़ रहे थे 148 से 151 तक। तो 148 हो गया, 149 हो गया, 150 हो गया, 151 हो गया, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आइए अब बात करेंगे अपन आगे। देखो पहले कैग का नाम देखिए, वी नरहरी राव भारत के स्वतंत्र भारत के पहले महालेखा और नियंत्रक परीक्षक थे। अब आते हैं वर्तमान कैग, वर्तमान में कौन है, वर्तमान का नाम देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी वर्तमान में कैग है और ये 2020 से अपने पद पे आसीन है, यह सबसे सन 2020 से। तो देखो अभी तक क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर 48 पढ़ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट 148 है और 151, आर्टिकल नंबर 148 और 151 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह सब आपके कैग के बारे में जो मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइए, कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक चैनल को प्यार देते रहिए आप। थैंक यू, धन्यवाद।